आप लोग देख सके कि कोई मधुमक्खी लपेट गई हो पंखे में, कुछ ऐसा सीन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये पंखा मैंने आपको बताया 50 साल पुराना पंखा है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे 50 साल पुराना पंखा। तो भाई ये पंखा परदादा के जमाने का है, उठाने में मेरी हालत खराब हो जा रही है। इसके अंदर का ये हिस्सा देखो ये कितनी अलग तरीके से कसा हुआ है, जैसे कि एक पानी का पाइप कस दिया गया है यहाँ पे चूड़ी के साथ। कितना ज़्यादा अलग है यार ये तो। तो थंबनेल देख के आपको मालूम चलेगा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर्स और कैपेसिटर्स के अम्मा बाप सब कुछ है यहाँ पे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग इस 50 साल पुराने पंखे में इसका एक कैपेसिटर हटा के लगाने वाले हैं। कैपेसिटर का बाप, कैपेसिटर की अम्मा, ये है 72 माइक्रोफैरड का, ये है 50 माइक्रोफैरड का, और खूब सारे कैपेसिटर एक साथ, और बहुत कुछ करेंगे इस वीडियो में। सबसे मज़ा आएगा और देखेंगे कि क्या ये हमारा पंखा हेलीकॉप्टर बन जाएगा, आंधी तूफान जैसी हवा देगा, या फिर ये जल भुना जाएगा। सबसे मज़ा आएगा। तो चलो सबसे पहले इसके पर बांधते हैं इसमें। ओ ये देखो फैन हो गया तैयार। अभी मैं आपको इसका वजन दिखाता हूँ कितना भारी है ये। पूरा ये भाई देख लो 9 किलो 895 करीब 10 किलो का फैन है ये। तो इसे उतारते हैं, इसका वजन दिखाता हूँ मैं कितना है। अरे ये तो 3 किलो लग रहा है। तो देखो भाई इतना हल्का कि मैं एक हाथ से आराम से उठाया हूँ पल सहित। और ये मैं इसे उठाता हूँ। ओ भाई गजब, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इतना मेरा अनुमान सही निकलेगा। भाई सही बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से मैं उठाया हूँ इसको मैं बिल्कुल नहीं उठा सकता। अपने हाथ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जिसकी कितनी मुश्किल से इसे पकड़ा हुआ है। भाई सही में अगर ये पंखा किसी के ऊपर गिरा ना तो भगवान टंगा दो। भगवान ने टंगा दिया, अगर आज पंखा ना टंगता तो हम लोग टंग जाते। तो फाइनली यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट, पंखा दिया लटका। अब मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूँ कि 50 साल पुराना पंखा चलता है कि नहीं अपने दम पे। तो वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज़ दोहराने की कोशिश मत करना, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हम लोग यहाँ पे पूरी सेफ्टी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चलाते हैं फ़ैन को। तो भाई यहाँ पे फ़ैन स्टार्ट होने वाला है, 3 2 1 स्टार्ट किया जाए। ओह यहाँ पे 50 साल पुराना पंखा चल गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पंखा चलते हुए नीचे गिरा दिया जाए और नीचे कोई इंसान सो रहा हो तो उस इंसान की क्या हालत होगी, ये वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में आना चाहिए 20,000 लाइक्स। आ गए जल्दी बनाऊंगा ये फ़ैन वर्सेस अपना पुराना वाला फ़ैन हल्का वाला, कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा नीचे इंसान को। तो चलो इसमें फटाफट कैपेसिटर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे जो नॉर्मल सीलिंग फ़ैन होते हैं 300 RPM के आसपास चलते हैं, ठीक है। तो इसका RPM चेक करते हैं कि टेस्टिंग के पहले जब इसमें लगा हुआ है भाई 50 साल पुराना वाला कैपेसिटर, तो इसका RPM कितना जा रहा है ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इसका RPM 286 के आसपास जा रहा है। हो तो 300 के करीब है। बिना किसी कैपेसिटर के फैन ऑन, चल गया। लेकिन इससे अरे यार बिना कैपेसिटर कैसे चल रहा है। हाँ स्पीड धीमे मिल रही है इससे। तो भाई देख लो बिना कैपेसिटर के चल रहा है, RPM 120 हो गया है, स्पीड इतनी धीमी हो गई है कि आपको देखने से ही मालूम चला कि फैन धीमे चल रहा है। तो अभी हम लोग इसमें जो कैपेसिटर लगाने वाले हैं डायरेक्ट 2.5 लगा होता है, तो डबल करने वाले हैं, 5 करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे अब लग चुका है 5 माइक्रोफैरड, जस्ट डबल पावर का कैपेसिटर हमारे पुराने फैन में। तो यहाँ पे फैन ऑन होने वाला है और ये ओहो लगता है इसमें स्पीड आ गई है, चल जाने देते हैं इसे फुल स्पीड में। तो अब की बार 2.5 की बजाय 5 माइक्रोफैरड लगा हुआ है और यहाँ पे RPM 260। ये क्या, पहले 280 था नॉर्मल, 2.5 पे 5 पे 260 हो गए, उल्टा RPM कम हो गया। मुझे लगा बढ़ जाएंगे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। चलो देखते हैं यहाँ पे अभी मैं ऐड करने वाला हूँ 30 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। तो यहाँ पे फैन में लग चुका है 30 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। तो इस टाइम पे इस फैन में नॉर्मल कैपेसिटर की तुलना में 10-12 गुना पावरफुल कैपेसिटर लगा है, सिंगल पीस वाला। अब देखते हैं चला के क्या होगा। तो 3 2 1 ओहो फैन और भी ज्यादा स्लो हो गया है, स्टार्ट में इसने झटके मारे। इसका RPM भी चेक करते हैं भाई कितना हो गया है घट के पहले की तुलना में। तो इसका RPM 100 के आसपास हो गया है, 1 मिनट में 100, ये तो बहुत कम हो गया। हम लोग यहाँ पे जितना बड़ा कैपेसिटर लगाते जा रहे हैं वो तो उतना ही पंखा धीमे चल रहा है,
तो यहाँ पे ऐसा लगा कि जो कैपेसिटर ज़्यादा लगाने पर वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फ़ैन धीमा हुआ जा रहा है। चलो यहाँ पे हमारे पास इससे बड़ा है 50 माइक्रो फैरेड, ये लगाते हैं आपकी बार। इसको डिस्चार्ज करते हैं 50 वाले को, वो भी बहुत तेज आग निकली। तो यहाँ पे लगा है 50 माइक्रो फैरेड, अभी इसे ऑन करते हैं भाई। ओ अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों ने 50 माइक्रो फैरेड लगा दिया है, ना ही फैन जला ना ही भुना, बस चल रहा है और धीमा होता जा रहा है टाइम के साथ जितना ही मैं माइक्रो फैरेड बढ़ाता जा रहा हूँ। तो अब की बार ऐसा करते हैं, हमने सिंगल सिंगल पीस लगा के देख लिए, अब एक साथ 10 15 20 जितने भी कैपेसिटर का गुच्छा बनाते हैं और यहाँ पे घुसा देते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पे हमारे पास झुंड, इनमें है 2.5 माइक्रोफैरेड के 15 कैपेसिटर्स और 4 माइक्रोफैरेड के 15 कैपेसिटर्स। जोड़ो जाड़ो आप लोग, मैं तो इसे सीधा पंखे में जोड़ने जा रहा हूँ। कितना भयानक झुंड लग रहा है भाई, ये देखो, पता नहीं अब क्या होगा, फैन अब लगता है आई थिंक अब जल जाना चाहिए, अब फूक जाना चाहिए, मजा आएगा। फाइनली यहाँ पे मैंने पंखे में लगा दिए पूरी रुपये 30 कैपेसिटर का झुंड। आप लोग देखो सके कि कोई मधुमक्खी लपेट गई हो पंखे में, कुछ ऐसा सीन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये पंखा मैंने आपको बताया 50 साल पुराना पंखा है। तो फाइनली आप चला के देखते हैं कितने सारे कैपेसिटर्स जब 50 साल पुराने पंखे में लगे हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो फाइनली पूरा झुंड तैयार है और यहाँ पे पंखा बस ऑन करने ही, ओ पंखा हिल भी नहीं रहा है, केवल घूम आवाज कर रहा है। एक मिनट देखो, सुनो ऊपर इतने ज़्यादा कैपेसिटर लगाने पर पंखा मूव करना भी ख़त्म हो गया, एकदम रुक गया है। लेकिन गर्म तो नहीं हो रहा है, तो घुमा से घुमा देते हैं, घुमाओ। अरे 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 कांपने लगा, अरे 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 घुमा 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 घुमा, उल्टा घुमा उल्टा घुमा। ये गर्म भी नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा हुआ, इतने सारे कैपेसिटर्स का झुंड 50 साल पुराने पंखे में लगाने, पंखा जला भुना नहीं, सिर्फ मुझे लगता है रेजिस्टेंस की वजह से सिर्फ स्लो हुआ है। लेकिन हमने आज सिर्फ जोड़ा है पैरेलल कनेक्शन में। अगर आप लोग चाहते हैं कि सीरीज कनेक्शन में ये सारे कैपेसिटर्स जोड़े जाएँ तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आपको आज का वीडियो देख के मजा आता भाई, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बाद हो यहाँ पे बहुत ही मस्त वीडियो सोलह आई बटन में, ये जरूर से देखना। तो इस वीडियो में बस नहीं, टाटा बाय बाय।